हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल हाउसिंग अनीता में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी रसोई में कच्चे आम और पक्के आम का मैंगो शेक लेके आई हूँ। जिसके लिए चाहिए कच्चा आम, नमक, जीरा पाउडर और पुदीना, और मीठे आम के लिए, पक्के आम के लिए चीनी, इलायची फ्लेवर, इलायची पाउडर और टूटी फ्रूटी। हमने दो कलर में लिए हैं, आप चाहे तो एक कलर लीजिए, जो आपको कलर पसंद आप उसे डाल सकते हैं, और दूध। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब आम को हम काट लेते हैं। इसे खूब अच्छे से पहले धो लीजिए और धो के तब काटिएगा। इसे पहले छील लीजिए खूब अच्छे से इसे धोइएगा, क्योंकि मार्केट में से आते हैं, दवा डाले रहते हैं। खूब अच्छे से इसे धो के वॉश करके तब इसे बनाइए। इसी तरीके से छील लीजिए फ्रेंड्स, इसे कट कर लेते हैं। देखिए हमने छील लिए हैं, इस तरीके से छोटा छोटा पीसेस कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने काट लिए हैं, और चाहे तो इसे मैश करके आप ग्राइंड कर लीजिए, और चाहे इस तरीके से छोटा छोटा पीस काट के इसे ग्राइंड कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब सारे आम इसे डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीसिए, ताकि ये अच्छे से स्मूथ पीस बन जाए। अगर ये ज्यादा लेके पीसेंगी तो इसमें गोटलियां रह जाती हैं, छोटा छोटा पीस अंदर रह ही जाएगा। अब इसमें चीनी डालिए अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। चीनी, वैसे आइसक्रीम वगैरह बनाना रहता है तो उसमें चीनी ज्यादा पड़ता है। उसके बाद इलायची पाउडर, दूध, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चीनी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम पलट लेते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है, देखिए एकदम पतला पेस्ट है। देखिए मैंगो शेक बहुत ही टेस्टी बनता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप फ्रूटी डाल दीजिए, ये मार्केट में इजीली से मिल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया कच्चा आम जूस बनाने के लिए। देखिए हमने ये कच्चा आम को घिस लिए हैं ताकि ये जल्दी से पिसा जाए। पुदीना की पत्ती, सेंधा नमक और थोड़ा सा पीसा हुआ चीनी, जीरा पाउडर हमने सभी इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, क्योंकि इसे ग्राइंड करना है तो ठंडा पानी डाल के ग्राइंड करना है। सभी चीज डाल के इसे एकदम पतला लिक्विड बना दीजिए, और थोड़ा सा ग्रीन कलर, बस थोड़ा सा ही डालना है। फ्रेंड्स, इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम ग्राइंड कर लिए हैं कच्चा आम को। देखिए एकदम पतला लिक्विड बन गया है, बहुत ही अच्छा पिसा गया है ये। अब इसे हम पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, कितना अच्छा कलर आया हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट है। पुदीना पीने से पेट में ठंडक रहती है और पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, और हमारा ये रेसिपी भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और घर में ट्राई जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।